जय श्री राम, जय माँ कामाख्या। आज जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ उस समय और आध्यात्मिकता के माध्यम से एक जादू यात्रा पर जाने जैसा है, महाशिवरात्रि का रहस्य। इस दिन ब्रह्मांड आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए अपनी समस्त शक्तियों को खोल देगा और ये रात 8 मार्च 2024 की है। एक शांत शुक्रवार, एक दुर्लभ संयोग बन रहा है, सर्वार्थ सिद्धि योग। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी वो कौन सी चीज है जिसे आप लाएंगे और भगवान शिव के मंदिर जाएंगे और शिवलिंग पर टच करके अपने घर ले आएंगे, और जैसे ही आप उसे स्थापित करेंगे अपने घर पर आपके जीवन से अंधकार हमेशा के लिए चला जाए, आपकी हर इच्छाएं पूर्ण होंगी, चाहे वो धन की लालसा हो, चाहे मान सम्मान की लालसा हो, आपकी किसी भी तरह की लालसा, भगवान शिव के असीम आशीर्वाद से वो सारी चीजें पूर्ण होंगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहे। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें या डिसलाइक करें, पर कीजिए जिससे हम समझ पाएं कि हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है या ना पसंद, और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें कि हम अपनी वीडियो को आपके लिए और अधिक बेहतर कैसे बना सकते हैं, क्योंकि आप वीडियो देखकर हमसे ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। और अगर कुछ नहीं तो कम से कम कमेंट्स में अपनी इच्छा को याद करके जय श्री राम अवश्य लिखें, क्योंकि क्या पता श्री राम का नाम देखकर हनुमान जी आपकी वो इच्छा पूर्ण कर दें। इतना कष्ट तो आप कर ही सकते हैं। तो पहले जाने की महाशिवरात्रि मनाई क्यों जाती है। ये रात भगवान शिव और देवी पार्वती के लौकिक मिलन की रात है, ब्रह्मांड की दो दिव्य ऊर्जाओं का संगम। दूसरा, भगवान शिव का लिंग रूप में प्रकट होना। तीसरा, नीलकंठ ब्रह्मांड की रक्षा के लिए समुन्दर मंथन से जो घातक विष प्रकट हुआ था उसका पान किया गया था निस्वार्थ भाव से जन कल्याण के लिए, इसलिए ये महाशिवरात्रि मनाई जाती है। अब आपको करना क्या है, आपको इस शक्तिशाली रात में आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए सर्प, ध्यान के लिए रुद्राक्ष और पवित्रता के लिए चांदी के बेलपत्र, और अगर आप कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी संपूर्ण इच्छाओं को प्राप्त करना चाहते हैं, तो एक पवित्र शिवलिंग, इसे आप घर पे लें और स्थापित करें। लेकिन अभी बने रहें, क्योंकि अभी मैं आपको वो समय और वो एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ जिसको अगर आप लेके आए तो आपका जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे एक विनती है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल की सदस्यता नहीं ली है तो कृपया करके ऐसा करें। हम आपकी इच्छाओं और सपनों को पूरा करने के सभी प्रकार के अद्भुत तरीकों को आपके साथ साझा करने के लिए यहाँ हैं, और आप चूकना नहीं चाहेंगे। और अगर आप अपने जीवन में किसी भी परेशानी का सामना कर रहे हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप पर जुड़कर निःशुल्क परामर्श भी ले सकते हैं, जिसका हम कोई शुल्क नहीं लेते। आपको सर्वप्रथम सुबह एक पारद बूटिका या पारद का शिवलिंग लेके आना है, और रात्रि 12 बजे के बाद शिव मंदिर जाना है और शिवलिंग पर टच करके उसे अपने घर पर लाकर रख देना है। अब उससे आपको फायदा क्या होगा, घर के आसपास भूत प्रेत नकारात्मक ऊर्जा हो, गरीबी हो, कंगाली हो, आपका नुकसान करने वाली शक्ति हो, तो ये कोई भी चीज़ बिल्कुल भी आपके समीप नहीं आ पाएगी। पारद गुटिका या पारद शिवलिंग में साक्षात भोलेनाथ जी की ऊर्जा विराजमान है, और भगवान भोलेनाथ जी की ऊर्जा को भूत प्रेत या नकारात्मक शक्ति बर्दाश्त नहीं कर सकती है। जिस घर में पारद शिवलिंग या पारद गुटिका स्थापित होती है वहाँ भगवान भोलेनाथ के जितने भी गण हैं वो पहरा देते हैं, और जिनके घर में भगवान शिव के गणों का पहरा हो वहाँ कोई बुराई प्रवेश नहीं कर सकती। तो इस रात आप चूक मत जाना, अपने घर पर पारद शिवलिंग या पारद गुटिका को स्थापित जरूर करना। जैसे कि हम इस दिव्य यात्रा का समापन कर रहे हैं, यदि फिर भी कोई प्रश्न उठते हैं तो आप कमेंट्स कर सकते। आपकी यात्रा आपकी नहीं, हमारी है, और हम साथ मिलकर प्रकाश की तलाश करेंगे। इस पवित्र स्थान और समय को हमारे साथ साझा करने के लिए धन्यवाद। आपका मार्ग हजारों सूर्यों की रोशनी से धन्य हो, और भगवान शिव की कृपा आपको आध्यात्मिक जागृति के तट तक ले जाए। जब तक हम इस रहस्यमय यात्रा पर दोबारा ना मिले, सबके जीवन में प्रकाश बांटते रहें, प्यार बांटते। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।